हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक चालू करने से पहले मुझे आपको एक करेक्शन कराना है। जो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण का जो पहला वीडियो डाला था, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पार्ट वन करके, उसमें जो लिंगानुपात वाले आंकड़े हैं उसमें कुछ गलतियाँ हो गई है। मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात बताया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात में शहरी क्षेत्र के आंकड़े और शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात में ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े बता दिए थे। देखिए, हालांकि जो हमारा बाद में जो वीडियो आया था जिसमें हमने अध्याय वाइज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो पर चर्चा कर रहे थे, उस पर अध्याय दो जनगणना और टॉपिक में मैंने जो आपको आंकड़े बताए लिंगानुपात के, वो सही आंकड़े थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि गलतियाँ हुई है, इस पर मेरा भी ध्यान नहीं गया। इसके बारे में हमें बताया हमारे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर, आई थिंक उनका नाम है जितेंद्र गोस्वामी, तो थैंक यू जितेंद्र जी जो आपने हमें इसके बारे में बताया। तो आंकड़े को सुधार लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है आपका 991 मीन्स 991, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है 1001, जबकि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है आपका 956 मीन्स 956। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पर। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर जो है काफ़ी पुराने, लेकिन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। देखिए, हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो अभी 2017 या 2018 में जो योजनाएं लागू हुई उससे प्रश्न आएंगे। लेकिन देखिए, हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में जो योजनाएं दी गई है और जो योजनाओं को मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये योजनाएं 2014-15 की योजनाएँ हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यू अपडेशन हो रहा है। ये ऐसी योजनाएँ हैं जिसने भारत में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी एक क्रांति लाई। तो चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। मैंने देखिए योजनाओं को मैंने सेक्शन में डिवाइड करके रखा है। पहले नंबर पर है योजनाएं, उस योजनाओं में कौन कौन पात्रता रखते हैं, उस योजनाओं से संबंधित प्रावधान और उस योजना से संबंधित कुछ विशेष। पहले नंबर पर है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, लेकिन ये लागू हुआ राष्ट्रीय स्तर पर 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया गया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में मुख्यतः ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बचत बैंक खाता खोले जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र है इसे समझ लीजिए। इसमें कोई भी 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना एक बैंक अकाउंट खोल सकता है। 10 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम यानी अल्पवयस्क कैटेगरी में आते हैं, तो वे अपने माता पिता की निगरानी पे उस अल्पवयस्क का भी खाता इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। अब इसमें प्रावधान क्या है, इसमें जो बैंक अकाउंट खोले जाने के प्रावधान, पहली बात तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी है, यानी आप बिना कोई पैसा डिपॉजिट किए आप अपना खाता खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे मुख्यतः ग्रामीण परिवारों को देख के इस योजना को प्रारंभ किया गया है, क्योंकि ग्रामीण परिवार एक्चुअली में जब बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो उसमें कम से कम आपको कुछ अमाउंट लगभग 2000-3000 रुपये जमा करना पड़ता है, तो इस कारण से ग्रामीण परिवार अपना बैंक अकाउंट नहीं खुला रहा था, तो उन्हें ही देख के प्रारंभ किया गया है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग आप इस योजना के अंतर्गत कोई भी अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें जो प्रावधान है, ओवरड्राफ्ट सुविधा 5000 रुपये तक, इसमें 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है। ओवरड्राफ्ट सुविधा है मतलब आपको 5000 रुपये का ऋण इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। यदि आपका एक बैंक में इस योजना के अंतर्गत अकाउंट है और आप उसमें 6 महीने तक संतोषजनक लेन देन मीन्स आपका डिपॉजिट और विड्रॉल एक संतोषजनक तरीके से कर रहे हैं, तो आपके उस मतलब जो भी आपका खाता में जो आपका लेन देन हो रहा है उसके आधार पर आपको 5000 रुपये तक का ऋण अकाउंट ओपनिंग के 6 महीने के बाद प्रदान किया जाएगा इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है उसे दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ जीवन बीमा कवर 30000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
दुर्घटना बीमा कवर, दुर्घटना बीमा कवर यानी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद उसे इलाज कराने के लिए एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंटल बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। या जो हितग्राही इस योजना के अंतर्गत अपना बैंक अकाउंट खोलता है और उसकी दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी मीन्स नामित सदस्य को 30,000 रुपये की जीवन बीमा राशि प्रदान की जाएगी। तो जो भी इस जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोल रहा है उसे एक एक्सीडेंटल बीमा कवर मीन्स दुर्घटना बीमा कवर और जीवन बीमा कवर, दुर्घटना बीमा कवर 1,00,000 रुपये, जीवन बीमा कवर 30,000 रुपये इसका इसमें प्रावधान है। अब देखिए विशेष, छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त 2017 तक की स्थिति में 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं, 1,26,00,000 खाते 31 अगस्त 2017 तक की स्थिति में खोले गए हैं। देखिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, क्यों? ये आंकड़े ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में नवंबर 2016 तक की स्थिति में कितने बैंक खाते खोले गए, 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1,50,000 से ज़्यादा, 1,20,00,000 से ज़्यादा, ऐसे टाइप के ऑप्शन के साथ ये प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं। वैसे तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की कोई उम्मीद करता नहीं है, लेकिन क्या करें कि हमारे पीएससी ऐसा टाइप का प्रश्न पूछ चुका है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं आपका अगस्त 2017 तक की स्थिति में, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, ये तीनों योजनाओं को एक साथ प्रारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के नाम से इन तीनों योजनाओं को एक साथ प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया था। देखिए अब ये योजना है क्या क्या। पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं, इस बीमा योजना के हितग्राही बन सकते हैं। इसमें जो पॉलिसी जो है उसमें आपको 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम, 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम आपको इसमें जमा करना होगा। इसमें आप यदि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसी आप लेना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट को इससे लिंक करना होगा, जिसमें आपका ईयरली यानी वार्षिक आधार पर सालाना आपका 330 रुपये की वार्षिक प्रीमियम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी। तो इस योजना में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम आपको इस पॉलिसी के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा और आपके अकाउंट से ही वो 330 रुपये का अमाउंट कटते जाएगा। इस योजना प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत यदि हितग्राही जो इस पॉलिसी को लिया है उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को 2,00,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मृत्यु बीमा कवर मीन्स यदि जो हितग्राही है उसकी यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी आपका ईयरली वाइज रिन्यू होगी। जैसे आपको आपके अकाउंट में यदि 0 बैलेंस है तो ये पॉलिसी आपका वहीं समाप्त हो जाएगा। आपको हर साल आपको इस पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ेगा, यानी वही आप अपने अकाउंट में लिंक कर दिए तो हर साल 330 रुपये की राशि कटते जाएगी और ये रिन्यू होता जाएगा। जैसे कि आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस 1 साल का रहता है, 1 साल के बाद उसे हर बार उसे रिन्यू कराना पड़ता है। यदि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो आपको उसके एवज में पैसा मिलता है, यदि आपकी गाड़ी सही सलामत है तो आपको कोई भी राशि प्रदान नहीं होती। तो वैसे ही है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आपको इसमें क्या है, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको वार्षिक आधार पर 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम भरना पड़ेगा। यदि मृत्यु होती है तो मृत्यु की स्थिति में 2,00,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। यदि कुछ नहीं हुआ, हितग्राही सही सलामत है तो उसे किसी भी प्रकार की
रिफंड जो उसने जमा किया है उसके एवज में किसी प्रकार की धनराशि उसे वापस नहीं की जाएगी। जैसे हम LIC पॉलिसी लेते हैं तो LIC पॉलिसी में जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हम कुछ पैसा जमा करते जाते हैं जो कि दुर्घटना बीमा भी रहता है और आपका जीवन बीमा भी रहता है। यदि हितग्राही को कुछ हुआ तो दुर्घटना होने पर आपको कुछ राशि प्रदान की जाती है। यदि सही सलामत है तो जितना आपने डिपॉजिट किया उसके साथ कुछ ब्याज के साथ आपको पैसा मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है। इसमें आपको 330 रुपये की वार्षिक प्रीमियम भरना पड़ेगा। मृत्यु होने की स्थिति में 2,00,000 रुपये की राशि मिलेगी वरना पैसा रिफंड नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें आपको आपके बैंक अकाउंट को इस योजना से लिंक करना होगा जिसमें सालाना आधार पर 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम आपके अकाउंट से अपने आप डेबिट होगा। ये भी रिन्यू करने जैसा सिस्टम है जिसमें आपको सालाना आधार पर आपका आपके अकाउंट से 12 रुपये की राशि डेबिट होगी। यदि आपका अकाउंट जीरो है तो ये पॉलिसी वहीं समाप्त हो जाएगी। इसमें 12 वर्ष की वार्षिक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके हितग्राही हो सकते हैं। देखिए इसमें जो बीमा कवर है, इसमें बीमा कवर जैसे इसमें आपका मृत्यु पर बीमा कवर था वैसे इसमें मृत्यु और आपका दुर्घटना बीमा कवर दो प्रदान किया जाएगा। मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2,00,000 रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 1,00,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। देखिए स्थायी और अस्थायी विकलांगता क्या है। स्थायी विकलांगता यानी दुर्घटना से जो हितग्राही है उसका दुर्घटना या उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब उस पैर फ्रैक्चर होने के बाद उसका पैर अब परमानेंट काम का नहीं रहा, या तो उसके पैर काटना पड़ गया या तो पैर सही सलामत है लेकिन अब वो पैर किसी काम का नहीं रहा, तो वो कहलाएगा आपका स्थायी विकलांगता। तो स्थायी विकलांगता और मृत्यु की स्थिति में 2,00,000 रुपये का बीमा कवर, जबकि अस्थायी विकलांगता यानी पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर डैमेज हो गया यानी अब उसमें एक्सीडेंट होने के बाद अब वो पैर पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया, पैर काम कर रहा है लेकिन फिर भी आपका कमज़ोर है, तो उस स्थिति में उसे इलाज के लिए अस्थायी विकलांगता की स्थिति में उसे 1,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित निजी क्षेत्र के निम्न आय वर्ग वाले श्रमिक इसके अंतर्गत शामिल होंगे। देखिए जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के कोई एम्प्लॉय होता है तो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय आपका वर्क करता है, उसको मंथली पेमेंट मिलता है, मंथली पेमेंट से उसका कुछ ना कुछ अमाउंट उसका PF के रूप में कटता है जो कि उसे बाद में आपका रिटायरमेंट के बाद उसे वही पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। ये होता है आपके गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन जो आपके निम्न आय वर्ग के लोग हैं यानी असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक जिनकी आय बहुत कम है उनके बुढ़ापे में एक सहारे के लिए यह चालू की गई एक पेंशन योजना है। देखिए असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक यानी चपरासी जो घर घर जाके जो औरतें काम करती है, बर्तन मलती है, इसके अलावा आपके ड्राइवर, तो ऐसे निम्न आय वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए इस पेंशन योजना में 5 स्लैब है, 1,000 से 5,000 रुपये तक के 5 स्लैब है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। इसमें असंगठित क्षेत्र का श्रमिक कोई भी एक स्लैब को चूज कर सकता है जिसमें उसे मंथली आधार पर, महीने के आधार पर जो स्लैब वो चुनेगा, जैसे 2,000 रुपये का उसने स्लैब चुना है तो उस 2,000 रुपये स्लैब के लिए कुछ ना कुछ एक राशि उसे हर महीने जमा करनी पड़ेगी अपने अकाउंट में जो कि इस अटल पेंशन योजना से लिंक होगा। उसमें उसे कम से कम 20 साल तक एक मंथली अमाउंट उसे जमा करना पड़ेगा। वो अमाउंट कितना होगा हर स्लैब के लिए अलग अलग है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर स्लैब के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जो कि उसे अपने अकाउंट से इस अटल पेंशन योजना में जो लिंक है उसमें उसे जमा करना रहे पड़ेगा। कम से कम 20 वर्ष तक वह धनराशि जमा करेगा, 20 वर्ष तक। 60 वर्ष की उम्र से उसे पेंशन मिलना प्रारंभ होगा। जो भी स्लैब उसने सेलेक्ट किया है उस स्लैब के आधार पर उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन राशि मिलना प्रारंभ होगा। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित निजी क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को शामिल किया गया है जिन्हें कम से कम 20 वर्ष तक इसमें इस योजना के अंतर्गत धनराशि जमा करनी पड़ेगी। 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे उन्हें पेंशन मिलना प्रारंभ होगा। 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन राशि की फैसिलिटी इसके अंतर्गत दी गई है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के आंकड़े भी हाल ही में अपडेट हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
संभावना है कि इससे प्रश्न इस साल के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो भी चीज़ें या जो भी प्रावधान है इस सुकन्या समृद्धि योजना में या पिछली जो भी योजना जो भी मैंने आपको बताया और जो भी रेड कलर में लिखा है, स्पेशली आप उन्हें याद कीजिएगा। जो भी चीज़ें मैंने लिखी है उनसे ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, जैसे आपका ये जो था आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2016 के PSC में, इसमें असत्य कथन से प्रश्न पूछा था। उसने दे दिया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत ₹330 की वार्षिक प्रीमियम राशि जमा करने या सालाना रूप से जमा करना पड़ेगा। इसमें मृत्यु बीमा कवर में ₹1,00,000 की बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। देखिए, इसमें ₹2,00,000 था लेकिन प्रश्न में आया था आपका ₹1,00,000 का बीमा कवर, तो इसमें असत्य कथन में उसमें जो मृत्यु बीमा कवर था वो था आपका ₹1,00,000 जो कि असत्य था। तो याद रखिएगा, ये अपने आप में एक वन लाइनर या सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ कूट वाले, यानी 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, ऐसे टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, एज कितना है, वार्षिक प्रीमियम कितना है, उसमें बीमा कवर कितना है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, सारे चीज़ें इसमें। बस मैंने आपको कुछ लिमिटेड मुश्किल से 6 योजनाएं हैं उसी को बता रहा हूं, और उसे थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यह हिस्सा है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे प्रारंभ किया गया था आपका जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इस सुकन्या समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया। परिवार में बेटी के जन्म होने पर जो परिवार की दृष्टिकोण होती है उसे बदलने के लिए, यानी बेटियां बोझ नहीं होती, इस नज़रिए को बदलने के लिए इस योजना को लाया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका या लड़की का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, जो कि माता पिता की देखरेख या निगरानी में होगा वो बैंक अकाउंट। यदि इसमें मैक्सिमम 2 बालिकाओं या 2 लड़कियों का अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की 2 लड़कियों का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। यदि मान लीजिए उनके यहाँ एक ही बार में दो जुड़वा लड़कियां हुई, तो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो वो 2 जुड़वा लड़कियों के अलग अलग बैंक अकाउंट खाते और तीसरी लड़की के भी उसमें बैंक अकाउंट खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में। लेकिन याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम 2 बच्चों का यानी जुड़वा न होने की स्थिति में मैक्सिमम 2 लड़कियों का इसमें बैंक अकाउंट खोला जा सकता है जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो। देखिए, जब ये योजना चालू किया गया था आपका जनवरी 2015 में, तो इसमें सालाना न्यूनतम जमा राशि थी आपका ₹1,000। लेकिन हाल ही में अभी इसके आंकड़े अपडेट हुए हैं, अभी में यह घोषणा की गई कि इसमें सालाना न्यूनतम जमा राशि ₹250 होगी, यानी आप एक साल के अंदर इसमें कम से कम ₹250 की राशि जमा कर सकते हैं। अधिक से अधिक, देखिए इसमें जो लिमिट है, कम से कम आप एक साल में इसमें ₹250 और अधिक से अधिक ₹1,50,000 की राशि उस योजना यानी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट है उसमें आप जमा कर सकते हैं। देखिए, ये जो योजना है, ये योजना काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका ब्याज है यानी इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है। इस योजना के अंतर्गत यदि आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो आपको उस साल यानी एक साल के अंतर्गत आप कम से कम ₹250 जमा कर सकते हैं, अधिक से अधिक ₹1,50,000 तक की राशि जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको वार्षिक आधार पर लगभग 8 से 9% तक का ब्याज मिलेगा। 8 से 9% तक का वार्षिक ब्याज इस योजना के अंतर्गत यदि आप निवेश करते हैं तो आपका उस बैंक अकाउंट जो मतलब लड़कियों के नाम पे जो बैंक अकाउंट है उसमें जो राशि है उसमें 8 से 9% का ब्याज मिलेगा। देखिए, सालाना न्यूनतम जमा राशि ₹250, एक साल में कम से कम ₹250 और अधिक से अधिक ₹1,50,000 तक की राशि इनके बैंक अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं। आपको ये राशि कब तक डिपॉजिट करना पड़ेगा? जिस डेट में वह बैंक अकाउंट खुला है, बैंक का खाता जिस डेट में खुला है उससे अगले 14 साल तक,
अगले 14 साल तक आपको उसमें पैसा डिपॉजिट करना है। देखिए जैसे कोई जो बीमा पॉलिसी है वैसे टाइप का नहीं है कि आपको कोई फिक्स पैसा उसमें हर महीने डिपॉजिट करना है, आप जितना चाहे 250 रुपये कम से कम, और अधिक से अधिक आप 10,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख, कितना भी पैसा, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की आप राशि जमा कर सकते हैं। उस जमा राशि में आपको लगभग 8 से 9% का वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो आपको वो राशि जो है, आपको वो राशि कम से कम बैंक अकाउंट खुलने के अगले 14 साल तक आपको वह राशि जमा करना है। इसकी जो मैच्योरिटी है या परिपक्वता 21 साल की अवधि पर, मतलब बैंक अकाउंट खुलने के 21 साल बाद यह अकाउंट मैच्योर होगा, यानी जिस दिन बैंक अकाउंट खोला गया उसके अगले 14 साल तक आपको उस बैंक खाते में राशि जमा करना है। 14 साल के बाद आपको बैंक अकाउंट में राशि जमा करने की जरूरत नहीं। अगले 21 साल मतलब 14 साल के बाद आपका बचा कितना, 7 साल एक्स्ट्रा, 7 साल तक आपको उसमें पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका ब्याज उसमें 8 से 9% का जो सालाना ब्याज है वो कंटिन्यू उसमें जुड़ता जाएगा। तो वो मैच्योर या परिपक्व होगा वो आपका 21 साल, बैंक अकाउंट खुलने के 21 साल बाद आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। देखिए 21 साल बाद या शादी होने की स्थिति में जिस दिन से आपका बैंक अकाउंट खोला गया उसमें 14 साल तक आपको उसमें डिपॉजिट करना है, उसके बाद 21 साल में वो अकाउंट जो है, जो आपका अकाउंट खोले है वो मैच्योर होगा या परिपक्व होगा, 21 साल बाद आप उससे पैसा निकाल सकते हैं, या लड़की के शादी होने की स्थिति में जो पहले आ जाए, या तो लड़की की शादी होने का जो कंडीशन है वो पहले आ जाए तो आप उससे पैसा निकाल सकते हैं पूरे के पूरे ब्याज के साथ, उसमें किसी भी तरीके की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि उसके शादी में देरी है तो ये आपको 21 साल बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो 21 साल बाद या शादी होने की स्थिति में, दोनों में से किसी भी कंडीशन जो भी पहले आ जाए उसमें आप इसका मैच्योरिटी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि लड़की की उम्र 18 साल हो जाए, तो 18 साल यानी वो एक वयस्क हो जाए, तो 18 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो उसका बैंक अकाउंट खाते में जो राशि जमा है, उस जमा राशि का लगभग 50% राशि वो निकाल सकती है। 18 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए लड़की अपने अकाउंट से 50% का राशि विड्रॉल कर सकती है। देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यह हिस्सा है। इसमें ब्याज दर, जब यह 22 जनवरी 2015 को यह जब योजना लागू हुआ था तो प्रारंभ में इसमें ब्याज दर था आपका 9.1% पर एनम, मीन्स वार्षिक, आपका वार्षिक ब्याज था इसमें 9.1%। बजट 2015-16 में यह हो गया आपका 9.2% वार्षिक ब्याज दर हो गया। देखिए ये जो आपका आंकड़ा है बजट 2015-16 वाला, 2015-16 वाला जो आंकड़ा है ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण वाले, जो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण वाले जो बुक है उसमें दिया गया है, लेकिन हाल ही में इसके आंकड़े अपडेट हुए हैं। देखिए अभी हाल ही में इसके जो नए ब्याज दर है वो तिमाही आधार पर कर दिए गए, जो पहले वार्षिक आधार पर मिलते थे कि आपको सालाना 9.1% जो मिल रहा था ब्याज दर, वो अब तिमाही आधार पर मिलेगा। यानी जुलाई से सितंबर 2018 तक की स्थिति में इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो भी राशि जमा है उस पे 8.1% तिमाही ब्याज प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें 10 वर्ष या उससे कम आयु वर्ग की लड़कियों के बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, मैक्सिमम दो लड़कियों के, एक परिवार के मैक्सिमम दो लड़कियों के बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, जिसमें सालाना मीन्स एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 250 रुपये की राशि जमा की जा सकती है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की राशि आप एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। खाता खुलने की तारीख से अगले 14 साल तक आपको उस बैंक खाते में पैसा जमा करना है। खाता खुलने की तारीख से अगले 21 साल बाद वो अकाउंट या वो अमाउंट आपका मैच्योरिटी होगा, मतलब वह परिपक्व होगा। तो 21 साल बाद या शादी होने की स्थिति में, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले आ जाए, या तो लड़की की शादी यदि पहले हो रही है तो भी आप उसमें से अपना पूरा का पूरा पैसा आप उससे विड्रॉल कर सकते हो, यदि शादी बाद में होना है तो आपको उस 21 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि लड़की 18 साल की हो गई है तो वह कम से कम 50% आपका अमाउंट अपने खाते से निकाल सकती है उच्च शिक्षा के लिए। ठीक, जिसमें अभी वर्तमान में आपका जुलाई से सितंबर तिमाही ब्याज दर है आपका 8.1%। अब देखिए अगला है आपका मुद्रा योजना।
मुद्रा योजना का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना का फुल फॉर्म है। यह योजना लाया गया था आपका सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय इकाइयों कुटीर उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र के जो भी उद्योग है इकाइयाँ हैं व्यवसाय है इन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह मुद्रा योजना लाया गया। मुद्रा योजना प्रारंभ हुआ था आपका 8 अप्रैल 2015 से मुद्रा योजना को लागू किया गया था। इस मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय इकाई तथा कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए लाया गया। देखिए जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है जैसे बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उनका टर्नओवर काफ़ी हाई होता है। बैंक द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है या जो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ये बड़े उद्योग आसानी से फुलफिल कर लेते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो छोटे उद्योग है तो छोटे उद्योग जो बैंक की जो जो क्राइटेरिया होती है उसे फुलफिल नहीं कर पाते। साथ ही साथ यदि वो जो बैंक से यदि लोन लेते हैं तो उसका प्रोसेसिंग चार्ज उन्हें पे करना पड़ता है। जैसे आप बैंक से कुछ पैसा लोन लेंगे जैसे 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार आपको प्रोसेसिंग फी भी जमा करना पड़ता है। तो ये उद्योग के अंतर्गत यदि इन लोग भी लोन लेते हैं तो इनका क्या है व्यवसाय क्षेत्र में जो लोन उठाया जाता है उसमें जो प्रोसेसिंग फीस और भी ज़्यादा होता है। तो ये प्रोसेसिंग चार्ज को इस मुद्रा योजना के अंतर्गत जीरो कर दिया गया। यानी इस मुद्रा योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की आपका प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा बैंक लोन के लिए। साथ ही साथ बैंक का जो भी क्राइटेरिया है उसे कम कर दिया गया स्पेशली सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय और इकाई तथा कुटीर उद्योगों के लिए। पहले क्या था बड़े उद्योग और छोटे उद्योग कोई भी हो सभी के लिए क्राइटेरिया एक था। लेकिन मुद्रा योजना के आने के बाद इनके लिए जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी छूट दी गई। साथ ही साथ इनमें जो प्रोसेसिंग फीस लगता है लोन लेने के लिए उस प्रोसेसिंग फीस को जीरो कर दिया गया। देखिए मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 स्तर पर आपको पैसे मिलते हैं। एक है आपका शिशु ऋण योजना जिसमें आपको 0 से 50,000 रुपये तक की राशि आपको शिशु ऋण योजना के अंतर्गत इस मुद्रा योजना में प्रदान की जाएगी। किशोर ऋण योजना इस मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण योजना में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण आपको दिया जाएगा। तरुण ऋण योजना इस तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। देखिए शिशु किशोर तरुण ये सब पिछले जब से ये योजना लागू हुई है 2015 से किसी साल में होने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में कम से कम एक बार उस साल में होने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में एक न एक बार इस शिशु किशोर और तरुण इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये शिशु के अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा किशोर के अंतर्गत तरुण के अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा याद रखिएगा। मुद्रा योजना जो कि आपका 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी जो कि सूक्ष्म लघु व्यवसाय इकाइयों कुटीर उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था इस योजना को जिसमें शिशु के अंतर्गत 50,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी। किशोर ऋण योजना के अंतर्गत आपका 50,000 से 5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी जबकि तरुण ऋण योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख से 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। ये तीनों स्लैब को याद रखिएगा। देखिए फिलहाल हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे यदि याद रख सकते हो याद रख लीजिएगा वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ में लगभग 2350 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मुद्रा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2350 करोड़ से अधिक राशि का ऋण वितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए ये जो भी आंकड़े दिए गए हैं बोर्ड पे ये सारे के सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने केवल टू दी पॉइंट चीज़ें ही बोर्ड पे लिखी है जो स्टेटमेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं केवल मैंने उन्हीं चीज़ों को लिखा है तो इन चीज़ों को याद रखिएगा ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें तो हो गई कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त को प्रारंभ किया गया था जीरो बैलेंस के साथ। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना ये तीनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। इसमें जो प्रीमियम राशि है इस प्रीमियम राशि को याद रखिएगा। मुद्रा योजना प्रारंभ किया गया था आपका 8 अप्रैल 2015 को। अब नेक्स्ट
ई शक्ति स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन से संबंधित है। आपका ई शक्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था आपके नाबार्ड के द्वारा, जिसमें स्वयं सहायता समूह में किए जाने वाले विभिन्न कार्य मीन्स अभिलेखों के संरक्षण, जो भी उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है, या वो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो राशि या जो ऋण उनके द्वारा जो वितरण किया जाता है, वो सारे के सारे चीज़ों को एक तरीके से डिजिटलाइज करना, यानी उन सारों के सारे चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन, उनका जो ऋण वितरण या उनका अभिलेखों का संरक्षण, इन सभी चीज़ों को डिजिटाइजेशन करना इस ई शक्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ये ई शक्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था आपके नाबार्ड के द्वारा, जिसमें प्रारंभिक तौर पर दो जिले, एक है आपका रामगढ़ जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, दूसरा है धुले जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन दो राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया था नाबार्ड के द्वारा इस ई शक्ति कार्यक्रम को। सेकेंड चरण में जो उसका दूसरा चरण है, जिसमें पूरे के पूरे भारत भर में 22 जिले सेलेक्ट किए गए थे, उस 22 जिले में हमारा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव इस ई शक्ति कार्यक्रम के रूप में चिन्हित किया गया था। यानी स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन, ई शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटाइजेशन के लिए सेकेंड चरण के 22 जिलों में हमारे छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला इस ई शक्ति कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया था। उसके बाद इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे के पूरे देश भर में से लगभग 75 जिलों का चयन किया गया। उन 75 जिलों में से हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद, रायपुर शामिल नहीं है, दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद, इन तीन जिलों को तीसरे चरण में पूरे देश भर के 75 जिलों में से इन तीन जिलों का चयन किया गया डिजिटाइजेशन के लिए। ई शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद, इन तीन जिलों का चयन किया गया। तो याद रखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 4 जिले जो कि ई शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन संबंधित है, वो है आपका एक राजनांदगांव, सेकंड है दुर्ग, थर्ड नंबर पर है आपका बिलासपुर, फोर्थ है आपका महासमुंद। तो ये चारों जिलों का नाम याद रखिएगा, कौन से चरण में हुए उसे याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिएगा 4 जिले जो कि ई शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बिलासपुर और महासमुंद जिला। नेक्स्ट है आपका सहकारी बैंक। देखिए सहकारी बैंक होता क्या है, देखिए बैंक दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कमर्शियल बैंक मीन्स वाणिज्यिक बैंक जिसमें हम लोग अभी पैसा जमा करते हैं, दूसरा होता है आपका सहकारी बैंक। जो वाणिज्यिक बैंक है या जो कमर्शियल बैंक है, उन लोग का जो है ब्याज के ऊपर जिंदा रहने वाली ये संस्थाएँ हैं। ये जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, ये ब्याज के ऊपर जिंदा रहती है। जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो अभी वर्तमान में हमें लगभग 4% का ब्याज मिलता है। तो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, हमें वो 4% का ब्याज देती है, हमारे जो जमा धनराशि को वो किसी अन्य को ऋण देती है, जैसे होम लोन दी तो वो होम लोन में वो कितना प्रतिशत ब्याज लगाती है, लगभग 8%, हमें कितना देती है 4%, तो 8-4 मीन्स 4% का उसको लाभ होता है। तो जो कमर्शियल बैंक है वो जो है आपका ब्याज के ऊपर जिंदा रहने वाली एक संस्था है, लेकिन जो सहकारी बैंक है ये सहयोग के उद्देश्य से है। इसका मुख्य उद्देश्य कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर धनराशि को जमा रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये मुख्यतः कृषि मतलब जो कृषि क्षेत्र में जो संलग्न परिवार हैं उनको ध्यान में रखकर के ये बैंक प्रारंभ किया गया था आपका सहकारी बैंक। सहकारी बैंक के 3 स्तर होते हैं, राज्य स्तर, जिला स्तर और उसकी शाखाएँ। देखिए राज्य स्तर पर जो सहकारी बैंक है उसमें सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड संचालित है। देखिए जो वाणिज्यिक बैंक है या जो कमर्शियल बैंक है वो संसद द्वारा बनाए गए बैंक अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। लेकिन जो सहकारी बैंक है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ये प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ये वर्क करती है। यानी सहकारी समितियों के द्वारा जो भी आपके योजनाएं बनाई जाती है या इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं ये उसके आधार पर कार्य करता है, जबकि जो वाणिज्यिक बैंक है वो संसद द्वारा बनाए गए बैंक अधिनियम के ऊपर कार्य करते हैं। तो जो राज्य स्तर पर एक जो बैंक है वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जबकि जिला स्तर पर 7 केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होते हैं उसे केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कहा जाता है।
राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो कि एक है, जिला स्तर पर 7 केंद्रीय जिला सहकारी बैंक स्थित है। कौन कौन से जिले में है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों की वर्तमान संख्या है 7। इसकी शाखाएं जिला स्तर पे जो आपके केंद्रीय जिला सहकारी बैंक है उसके शाखाएं जगह जगह फैली हुई है। तो देखिए जो उसकी शाखाएं हैं उन्हें उनकी शाखाओं को कहा जाता है प्राथमिक सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी बैंक जिला केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत जो उसकी शाखाएं फैली हुई है प्राथमिक सहकारी बैंक उनकी संख्या है 264। आर्थिक सर्वेक्षण में आपका 260 दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है 260 लेकिन एक्चुअली में ये 264 है। तो आप फिलहाल आप आर्थिक सर्वेक्षण वाले आंकड़े को याद रखिएगा कि राज्य स्तर पर सहकारी समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड संचालित है, जिले स्तर पर जिन्हें केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कहा जाता है इनकी संख्या 7 है, इसकी शाखाएं यानी प्राथमिक सहकारी बैंक की संख्या वर्तमान में है आपका 260। तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ों को छोड़िएगा मत। ये थ्योरेटिकल चीज़ है, थ्योरेटिकल चीज़ को याद रखिएगा, ये डेटा वाले चीज़ों को भी याद रखिएगा, सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आज के लेक्चर संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि हमारे वीडियो संबंधित आप अपडेट चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जाकर आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।